तो गाइस तैयार होकर के अभी मैं निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे कल पूजा का सामान लेकर के आना है। कल एकादशी का तुलसी विवाह है, तो सारा सामान लेकर के आना है। तो अभी निकल जाती हूँ क्योंकि टाइम लगेगा। कल बहुत ज़्यादा श्रृंगार भी करना रहेगा, घर का काम भी रहेगा, और उसके बाद फिर मुझे पूजा सामग्री का सामान भी लेकर आना रहेगा, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हैक्टिक हो जाएगा। तो अभी वो सो रहा था, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जा करके ले आती हूँ। तब तक उसको भी साथ में ले जा रही हूँ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी, सामान पकड़ लेगी वो पीछे बैठ कर, क्योंकि एक्टिवा से जा रहे हैं। चल रिया। तो गाइस मार्केट में आ गए हैं। मैं स्कार्फ बांध कर आई थी क्योंकि एक्टिवा से आई थी और कान में हवा जाती तो मुझे बहुत पेन होता है, तो इसलिए अभी यहाँ पर मार्केट में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या लूँ पहले। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे शालिग्राम जी रखने के लिए ये तुलसी जी जैसे बने हुए हैं, इनको लेना है। ये कितने के हैं? 20 रुपए। तू तो वही है ना पिछली बार है? दिवाली पे, दिवाली पर आई थी मैं। हाँ, आज डिस्काउंट देगी कि नहीं? क्या होती? तो अभी शोरूम पर आई हुई हूँ, मार्केट में थी तो वहाँ पर एकदम से मम्मी का कॉल आया, यू भी उठ गया। तो भगा करके मैं कुछ भी नहीं ले पाई, सिर्फ शालिग्राम रखने का जो होता है वही लेकर के आई मैं मिट्टी का। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाई और सीधे मैं घर आई और आकर के युवो को सुलाया वापस। उसको मैंने बोला बेटू आप चल रहे हो? तो बोलता नहीं, मतलब उसको और नींद आ रही थी। तो फिर मैंने वापस सुलाया और फिर शोरूम आई हूँ और चीनू को मैंने भेजा है घर पर। अब चीनू थोड़ी देर उसके पास रेस्ट कर रही है, क्योंकि चीनू सुबह से हेडेक हो रहा है सर्दी खांसी की वजह से, उनको भी हो गया एकदम से मुझसे। मेरा तो ठीक हो गया, पता नहीं क्यों मेरी इम्यूनिटी थोड़ा सा अच्छी है, घर में सबसे अच्छी इम्यूनिटी है मेरी, तो जल्दी रिकवर हो जाता है। तो मुझे परसों हुआ और देखो आज ठीक हो गया, मतलब हल्की सी आवाज़ चेंज है, बाकी सर्दी वर्दी नहीं है मुझे। तो चीनू रेस्ट कर रहे हैं और मैं शोरूम पर आ गई, तो एक लड्डू रखा हुआ था मैंने उठा के अभी जस्ट खाया, भूख बहुत तेज लग रही थी। तो रात के 10 बज गए और अभी एक कस्टमर गए उनकी पैकिंग की, उनका टाइम लग गया। और अब मेरा बेटा और मेरा पति आए हैं। ये देखो मेरा बाबू। हाँ मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा, मेरा पारू बच्चा। अले ले इतना सुंदर है बाबू मेरा, इतना सुंदर है, बिल्कुल मामा पे गई है मामा। चीनू यार आप उसको फुल टी शर्ट पहना के लाते यार, ठंड है यार। अरे कैसे बंद, फिर भी यार ठंडा के बाहर है ना बेटा, ठंड लगी आपको? इधर की लाइट क्यों बंद की? मैं बस मंगल कर रही थी। मेरा बेटा जब तक हगी पगी नहीं करता उसको अच्छा नहीं लगता है, माँ से हगी पगी कर देता है कि उसको सुकून मिलता है, 4 घंटे माँ से दूर रहा वो, आकर हगी पगी से रहा। अब आप मंगल करो, शटर वटर डालो, अब मैं अंदर आऊंगी, कार में बैठूंगी आराम से, मेरी कमर टेढ़ी हो गई पूरी। तो गाइस 5 घंटे में बैठी रही शोरूम पे, सोचिए आप, 7, 8, 9, 10 4 घंटे। काउंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 4 घंटे। तो गाइस जस्ट अभी घर आए हैं हम लोग। तुम ये वाला जब भी ऐसा फ्रॉक पहनती हो तो मुझे ऐसा फील आता है जैसे कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्यों भाई इसमें क्या ऐसा दिख रहा है? ऐसा वो है ना, प्रेग्नेंट लेडीज ही पहनती है ऐसा। अरे कभी कभी मेरा मन करता है पुराने कपड़े भी पहनने का, मैं बहुत टाइम से रखा हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि पहन लूं, और ये अभी ठंडक है तो ये फुल स्लीव्स का है, पैक है, तो थोड़ा सा स्वेटर नहीं पहनना पड़ता इसके ऊपर। और तोन तो तुम्हारी निकली हुई है इतनी बाहर, और तो सोने पे सुहागा है। वापस जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, अभी दिवाली की बहुत सारी मिठाइयाँ खाई मैंने, तो थोड़ा सा मेरा पेट निकल आया। दिवाली में किलो से मिठाइयाँ खाई है भाई तुमने। यूपी से भी आई थी, बुआ ने भेजी थी, वो भी मैंने बहुत सारे पूरे पेड़े खा गए। अगर 50 गुजिया बांटनी है ना तो 100 बनाई है, गुजिया भी पूरी 50 तो 10 लोगों में बांटी है और खुद 50 अकेले खाई। ए चुप रहो, सबको बांटी है मैंने, बहुत सारे लोगों को बांटी है मैंने, मतलब मैंने बनाई थी 2 किलो की गुजिया और बांटी होगी कम से कम 2 किलो आटे की। अच्छा, मतलब मैदे की, और बांटी होगी मैंने 1.5 किलो की, आधा किलो खाई होगी, आधा किलो खा गई थी। बहुत बेशरम। अरे यार टेस्टी लगती है, एक तो मेरे को गांव के पेड़े मेरे, और दूसरी गुजिया।
ये दो चीज मुझे बहुत और सिरका 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 तो तीखे में आता है, मीठे की बात चल रही है। सिरका तो बहुत ही टेस्टी। और तुमने खाया वो काले जामुन? काले जामुन, अरे बहुत सारी मिठाई खाई है, कितना मैंने गिनती नहीं है रे, इतना कुछ दिवाली पे इतना खा लिया मैंने कि मेरा पेट निकल आया। सोचो अब मैं वापस से अपना एक्सरसाइज पे ध्यान दूंगी। इतना बाहर निकल गया, तुम्हारे साइज का तो नहीं निकल गया, पूरी हाइट जितना 6 फीट इतना फीट बाहर, 5 फीट ऊंची तो बाबा है, 6 फीट बाहर पेट निकल जाएगा तो कहाँ चले। जस्ट शट अप, ओके। कार निकलने यू में कीप क्वाइट, जितना रास्ता चाहिए रहता है उतना तुमको निकलने के लिए रहता। ये सीरियल गया सब चौड़ी करवानी पड़ेगी। हाँ जाओ आप तो इससे खेला करोगे। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं तक, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मैंने मेरा यूट्यूब पे नया चैनल खोला है एक, सो आप प्लीज वहाँ पर भी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, वो विया शॉर्ट्स वीडियो के नाम से है। तो आपको लिंक इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगी और आप सर्च भी कर सकते हैं विया शॉर्ट वीडियोज। सो उस पर 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं मेरे, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट दिया है कि 15 डेज में ही 10,000 आपने सब्सक्राइबर दे दिए। सो गाइज ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हे गाइज वेलकम बैक टू विया फैमिली व्लॉग। सो गाइज आज है एकादशी, सो फटाफट जा रही हूँ मैं सारी तैयारियाँ करने, पूजा का सारा सामान लेने। गन्ने तो चीनू कल लेकर के आ गए थे, तो आज जा रही हूँ मैं, बाकी की चीज़ें जितनी भी पूजा सामग्री की हैं वो सारी चीज़ें लेकर के आती हूँ और फटाफट करती हूँ तैयारी। आज बहुत सारे काम हैं मुझे, श्रृंगार भी करना है भगवान जी का और तुलसा जी को भी तैयार करना है, रेडी करना है, तो फटाफट करते हैं सारे काम। तो यहाँ से ले लिया है हार फूल, माला मैंने ले लिए, पास में पूजा सामग्री मिल गई थी तो मैंने सोचा यहाँ से पूजा का सारा सामान ले लो। तो ये शालिग्राम भी रखे हुए हैं इतने सारे। तो यहाँ पर मैंने कर ली है यूविन की शॉपिंग, क्योंकि उसका बहुत टाइम से पेंडिंग था बेड, तो मुझे आज दिखा तो मैंने सोचा ले लेते हैं उसको। पीछे अच्छे से बिछाती हूँ मैं, दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा। तो इस जगह पे आराम से उसका बिछ जाएगा तो वो इजीली अच्छे से लेट सकता है, क्योंकि आजकल वो बड़ा हो गया है तो इस जगह पे पीछे लेटना ही पसंद करता है। तो यहाँ पर तुलसी जी को आज मैंने साड़ी पहना दी है, थोड़ी तैयार कर दी, अभी थोड़ा सा मेकअप बाकी है। क्यों यू बेन है आज अभी? ये तुलसी जी का फेस है, ये बॉडी है, बॉडी में साड़ी पहना दी है, इतनी हरी भरी है ना। अरे खींच रही। नो यू आज मैंने घर पे यही बोला था क्या कि दीदी क्या इतनी मस्त तुलसी जी है और बहुत बड़ी भी है। ये मैं कितना सा लाई थी पौधा, मात्र इतना सा, तो एक सीधी सीधी डंडी बस थी और आज इतना हो गया। बोलते हैं जो घर में पॉजिटिविटी होती है, सुख शांति होती है ना, बहुत अच्छा और होता है बहुत अच्छी। हमारे घर इतनी सी है तुलसी जी, बड़ी ही नहीं होती, झड़ ही जाती है और बार बार इनका ज्यादा कोई केयर नहीं करना पड़ता है, जल चढ़ाना रहता है, इनको चाहिए रहता है कि अच्छा वो मिले, घर का वातावरण अच्छा रहता है तो इनको खुशी मिलती, घर का वातावरण खराब रहता है तो ये अपने आप मुरझा जाती है, ऐसा होता है। तो अब मैं जा रही हूँ श्रृंगार करने भगवान जी का, और तुलसी विवाह की कथा सुनते सुनते भगवान जी का श्रृंगार करूंगी। यू अभी सो गया है तो कर लेती हूँ श्रृंगार। मैं छोटे से शालिग्राम जी भी लेकर के आई हूँ, जब मैंने भगवान जी रखे थे तो मैं शालिग्राम जी नहीं रखा था, आज तुलसी विवाह है तो शालिग्राम जी का ही विवाह तुलसी जी से होगा, तो उनको लेकर के आई हूँ मैं, उनको भी रेडी करूंगी अभी, बिल्कुल दूल्हा बनाना है। तो पिछली बार का श्रृंगार कुछ इस तरीके का था, सो आज चेंज करके न्यू श्रृंगार दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइज ये है भगवान जी का फाइनल लुक, आज बनाया है उनको बिल्कुल दूल्हा और दुल्हन। और ये है हमारे शालिग्राम जी, ये है लड्डू गोपाल, हमारी तुलसा जी और शालिग्राम जी,
दूल्हा बन गए शालिग्राम जी और दुल्हन बन गए दुलसा महारानी। तो मैंने अच्छे से उनका पूरा तैयार कर दिया, चोटियाँ भी लगा दी हैं। तो गाइस यहाँ पर हो गया है विवाह तुलसी जी का। अब मैंने खा लिया प्रसाद और अब मैं जा रही हूँ शोरूम फटाफट। चिन्नू को थोड़ा सा हेडेक हो रहा है तो युवो के पास लेटे हुए हैं, फटाफट शोरूम निकलती हूँ। तो शोरूम मंगल हो गया है और हम लोग आ गए हैं घर। युवो को पीछे देख सकते हैं, युवो कैची नहीं गया है, रुपा निकालते हैं। ये देखो बित्तू को, बित्तू ब्लैंकेट पिलो बेड सब लगा करके बढ़िया निन्नी कर रहा है पीछे। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। तो गाइस सब बीमार पड़े हुए हैं, खांस रहा है कोई, सुड़ सुड़ कर रहा है कोई। नहीं कोई बीमार बीमार नहीं है, थोड़ा सा पानी चेंज होता है तो ऐसा हल्का बहुत होता है। हम दोनों जुड़ गए हैं गलती से, अलग भी हो गए हैं। नहीं जुड़ गए। मुझे खांसी आ रही है, इनको सर्दी हो रही है, सुड़सुड़ी इनको भी सर्दी हो रही है। तो हम लोग आ गए थे घर और अभी समय हो गया है 11:30, अब सोने के तक टाइम हो गया है। नहीं नहीं सोने का कोई टाइम नहीं, अभी तो युविन 3-4 घंटे सो के उठा है और हमको अगले 3-4 घंटे शायद सोने नहीं देगा मुझे लगता। तुम तो सो जाते हो, मैं जगती रहती हूँ जब तक वो नहीं सोता, मुझे जगना। हम जुड़ गए ना इसलिए मैंने बोला हमको, हम जुड़ गए। तो गाइस क्या कर सकते हैं, नींद तो ऐसी आ रही खतरनाक मुझे भी, क्योंकि मैं भी 8 बजे की उठी हूँ सुबह से। अरे 8 बजे उठी थी तुम, झूठ तो कम बोला कर बेटा। पहले मेरे सारे जो वीडियोस अपलोड हुए ना वो सब देख लेना। तुम यूवी को लेके टेरेस पे गए थे तब मैं उठ करके अपने सारे वीडियोस अपलोड कर रही थी, ठीक है? ओके मम्मा। उसके बाद मुझे हेडेक हो रहा था तो मैं 10-15 मिनट के लिए लेट गई थी लाइट चालू। ओके मम्मा। काम बहुत इम्पोर्टेंट है। सो गाइज आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मेरे यूट्यूब पे जो दूसरा चैनल है उस पर आपने 10,000 कंप्लीट कर दिए हैं। मतलब मैंने कल के ब्लॉग में ही बोला और कल ही हो गया, आज 11,000 हो गए, 11:30 हो गए, ठीक है? जलवे जलवे। तो गाइज वो चैनल का लिंक अगर आपको नहीं पता हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और दूसरा ये कि आप लोग सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं विया शॉर्ट्स वीडियोस, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत प्यार सपोर्ट दिया है आप लोगों ने, ऐसे ही बनाए रखेगा। आप लिंक ही डाल देना क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा था तो मुझे नहीं मिला था विया शॉर्ट्स। हाँ तो मैं लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से आप जा सकते हैं। मैंने फिर गूगल पे गया, मैंने गूगल पे लिखा तब जाके मिला, यूट्यूब पे तो मिल ही नहीं रहा था। अच्छा तो आप वहाँ से चले जाइएगा लिंक से, और मैंने इंस्टाग्राम के उस पर भी बायो में भी लिंक डाल रखा है, वहाँ से भी आप जा सकते हो। तो फटाफट 1 लाख करा दो और मेरा सिल्वर बटन ले आओ। हाँ, हम दिन भर ऐसे सिल्वर बटन लेकर के वीडियो बनाएंगे। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं तक, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिएगा। बाय बाय।